तो भाई लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच 200 सब्सक्राइबर्स के लिए। भाई थैंक यू, तुम लोगों ने 1 वीक में करवा दिए। भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार, तुम लोग बहुत प्यारे लोगों। अब ये हैशटैग है हैशटैग 250 सब्सक्राइबर करवाने हैं तुम लोगों ने, ठीक है? जल्द से जल्द, मुझे पता है तुम लोग बहुत जल्दी करवा दोगे, तुम बहुत अच्छे लोग हो, ठीक है? तो भाई इससे पहले कि मैं आज की वीडियो के टॉपिक पर बढ़ूँ, पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने कल एलियन एक्सटिंक्शन का पार्ट 3 अपलोड कर दिया है हिंदी डब, देख लेना, बहुत मस्त डब है, मज़ा आएगा तुम्हें, आई बटन पे आ रहा होगा, देख लेना। तो चलो भाई आज की वीडियो के टॉपिक पे आ जाते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि हम लोगों को जो क्लासिक में सीन दिखाया गया था जिसमें जो है ओमनीट्रिक्स सीधा जा रहा होता है बट एकदम से वो बेन की तरफ को पलट जाता है, तो वो सीन कैसे था? जब हम बचपन में देखते थे हम कहते थे ये कैसे हुआ साला, कैसा हुआ कैसे ये? लेकिन भाई फिर हम लोगों को ओमनीवर्स में बताया गया ये कैसे हुआ सब कुछ। तो भाई हम लोगों में से ज़्यादा लोगों ने ओमनीवर्स नहीं देखा होगा, यानी कि पाकिस्तान इंडिया में खासतौर पर ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि उसका आर्ट स्टाइल बहुत ही ज़्यादा घटिया था, इसलिए काफ़ी सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, तो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो चलो भाई आज मैं तुम लोगों को बताने वाला, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो के लिए कि मैं क्या इन दोनों एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूं, जिसकी मैं तुम्हें अभी थोड़ी थोड़ी सी सुनाने जा रहा हूं, तो मुझे बता देना, फिर मैं फुल वीडियो भी बना दूंगा इस पे। तो भाई तो होता ये है कि एक अल्टरनेट टाइमलाइन में जिसके अंदर बेन के पास ओमनीट्रिक्स नहीं है, वो एक आम बेन डेनिसन है, उसके पास पैराडॉक्स आते हैं और उसे ले जाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बेन जो हैं सारे तुम्हें बैड बेन्स मारने के पीछे पड़े हुए हैं, तो भाई उसकी वजह से फिर वो उसको लेके जाते हैं प्राइम बेन के पास और प्राइम बेन उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लेकिन फिर जब विलकैक्स क्रोनो सेपियन टाइम बॉम्ब को एक्टिवेट करता है तो सबके सब बेन मिट जाते हैं सिवाय नोवोच वाले बेन के, क्योंकि वो बच जाता है वहाँ पर पैराडॉक्स के साथ निकल लेता है वो, और बेन जाते हुए यानी कि विनिश होते हुए अपना जो है ओमनीट्रिक्स नोवोच वाले बेन को दे देता है। तो नोवोच वाला बेन पैराडॉक्स के साथ जाता है टाइमलाइन में बहुत ज़्यादा पीछे, प्राइम वाली टाइमलाइन में, क्लासिक वाले दौर में जब बेन 10 साल का था और उसे ओमनीट्रिक्स नहीं मिला था। तो फिर पैराडॉक्स कहते हैं कि तुम्हें टाइमलाइन को रिबूट करना होगा। फिर से हम लोगों को सीन दिखाया जाता है कि जो विलकैक्स की स्पेसशिप एपिसोड 1 में थोड़ी बहुत डैमेज हो गई थी, तो नोवोच वाला बेन ग्रे मैटर बना और उसने जाके अंदर कुछ वायरिंग में पंगे शंगे कर दिए, तो उसकी वजह से सारा कुछ सीन हुआ। फिर जब विलकैक्स ने उस स्पेसशिप पे अटैक किया जिसमें ओमनीट्रिक्स था और वहाँ से ओमनीट्रिक्स अर्थ की तरफ को फेंका गया, तो वो सीधा जा रहा था। अब बेन ने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी कि नोवोच वाले बेन ने पैराडॉक्स बोला कि मुझे क्या करना है, तो उन्होंने बोला अभी तुम्हें इसको बेन की तरफ को भेजना होगा। तो भाई नोवोच वाले बेन ने सिर्फ ओमनीट्रिक्स को घुमाया, मतलब उसको एक्टिवेट करा और हाथ मार दिया, मतलब ट्रांसफॉर्म होने के लिए, और उसे मिला वहाँ पर कैनन बोल्ट। वो गया स्पेस में कैनन बोल्ट बनके और जाके ओमनीट्रिक्स से टकराया बहुत ज़ोर से, जिससे ओमनीट्रिक्स आया बेन की तरफ। अब जब बेन उसे खड़ा हुआ देख रहा था तो नोवोच वाले बेन ने क्या किया, वो आर्मर ड्रिलर बना और उसने अर्थक्वेक पैदा किया ज़मीन में, जिससे वो ज़मीन वहाँ से टूट गई और बेन नीचे गिर गया, और ऐसे स्टार्ट हुई हमारी क्लासिक सीरीज। क्या ही मतलब प्लॉट ट्विस्ट था भाई, ओपी था भाई, मजा आ गया सुन के, माइंड ब्लो हो गया मेरा। वही बताओ अगर तुम लोगों को ये पूरा का पूरा एपिसोड एक्सप्लेन चाहिए, यानी कि ये पूरी एक टाइप की मूवी है, अगर ये चाहिए तो मुझे बता देना, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो ले आऊँगा। बाकी वीडियो पसंद आती है तो लाइक मार दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, #road to 250 सब्सक्राइबर्स। और हाँ, अल्टीमेट्रिक्स वाला वीडियो जल्दी आएगा, थोड़ा मटेरियल मिसिंग है, सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है, वो चोरी हुई है मेरी, वीडियो आ रहा है, चल बाय।